वेलकम टू अनदर स्विंग ट्रेड वीडियो। ये अंबुजा सीमेंट के ऊपर होने वाला है और इसके पहले और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू टेल यू कि इसके बाद हम अपने सारे स्विंग ट्रेड्स जो कि हम VCP यूज़ करके मोस्टली लेते हैं वो हम इस चैनल पर डालेंगे। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू सी द अपकमिंग वीडियोज़। तो चाहे हमें ट्रेड्स में प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी उसकी लर्निंग होगी वो हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो ये जो हमारा ट्रेड था ये अंबुजा सीमेंट में था। एज यू कैन सी ये जो पोजिशन का हमारा ये है, ग्रीन वाला इज द प्रॉफिट, रेड वाला ये लॉस का होता और ये स्टॉप लॉस नीचे है, टारगेट ऊपर है। सो वी एंटर्ड दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट 530.65। ये जो बीच में एंट्री वाला लाइन है आपका 530.65 पे, तो यहाँ पर हमारा स्टॉक में एंट्री हुआ था। अब एंट्री किस बेसिस पे हुआ था पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो अंबुजा सीमेंट में पहले एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया था यहाँ पीछे से, यहाँ से स्टार्ट करके मैंने इसको भी कवर किया था इसके पहले इस चैनल पे, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया था। फिर इसमें एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया था और फिर कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो ये जो अप ट्रेंड था यही हमें शो करता है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अंडरलाइंग स्ट्रेंथ थी, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज का मूव आया था, मोर देन 38-40% के आसपास का, और साथ में वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे थे। अगर आप पीछे के पूरे चार्ट से कहीं से भी कंपेयर करो तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे अप ट्रेंड के टाइम पे। और जब कंसोलिडेशन स्टार्ट में स्टार्ट हुआ, निफ्टी में भी जब स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन अगस्त सितंबर के आसपास, तो ऑब्वियसली स्टॉक में भी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। बट कंसोलिडेशन के टाइम पर जो वॉल्यूम था यहाँ पर वो वॉल्यूम काफ़ी कम था। अगर हम ये इम्पल्स के टाइम से कंपेयर करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम था यहाँ पर कंसोलिडेशन के टाइम पे। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 30-day मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का, तो आप क्लियरली देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है करेक्शन के टाइम में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। और उसके साथ ही साथ एक और जो चीज़ हो रही थी वो इसमें वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। VCP मार्क मिनर्विनी का एक पैटर्न है जो कि हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने में हेल्प करता है जो कि अच्छा ब्रेकआउट देने वाले होते हैं। तो पहला जो इसका कॉन्ट्रैक्शन था ऊपर से नीचे तक, दैट वॉज अबाउट 20% का। फिर उसके बाद जो ये वाला यहाँ से था कॉन्ट्रैक्शन, दैट वॉज अबाउट 10-11% का। उसके बाद स्टॉक यहीं पर कॉन्सोलिडेट कर रहा था और ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन के नीचे। फिर यहाँ पर पहला इसने ग्रीन कैंडल दिया, बट यहाँ पर विक थोड़ा सा था कैंडल पे, इसलिए मैंने इस दिन पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने वेट किया थोड़ा। अगले दिन एक रेड कैंडल बना और फिर जब उसके बाद इस दोनों कैंडल का हाई कटा यहाँ पर, तो फिर मैंने इस स्टॉक में एंट्री लिया था। और साथ में नीचे ये भी ट्रेंड लाइन जा रही थी ऊपर की तरफ, सो वी हैड द सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो। और मेरा स्टॉप लॉस इस बेसिस पे था कि अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो आवरली चार्ट में स्टॉप लॉस यहाँ पर था 200 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे। ये 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है रेड वाली लाइन, तो उसके जस्ट नीचे था मेरा स्टॉप लॉस। और साथ ही में यहाँ पर पीछे ये वाला जो विक बना था नीचे से हैमर टाइप का, तो ये भी इसके आसपास था। तो अगर इसके नीचे जाता स्टॉक तो मैं अपना लॉस एग्जिट कर लेता, स्टॉक एग्जिट कर लेता। तो जो स्टॉप लॉस था 5% का था, तो उसके हिसाब से 1:2 रेशियो में मैंने टारगेट लिया था, सो द टारगेट वॉज अबाउट 10%। तो मैंने वही 9.9 या फिर 10 के आसपास अपना वो टारगेट बुक किया है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके भी वीडियो में अटैच कर दूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, मैं स्टॉक के एंड में मैं वीडियो के अपना वो अपना जो ट्रेड बुक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ एंट्री और एग्जिट का वो मैं अटैच कर दूंगा। तो मैंने अपने 50% ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिए हैं और इसके बाद जो बचे 50% शेयर्स हैं उन पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उनको चलने दूंगा। बिकॉज जब कोई एक स्टॉक मोमेंटम में जाता है तो यू नेवर नो वो कितना ऊपर जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर गया था, तो यहाँ भी हमने 50% यहाँ पर बुक कर लिया था और उसके बाद स्टॉक को ऊपर चढ़ने दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 50% मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब जो अगला मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा वो इस वाले विक के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे। ये जो दोजी कैंडल बना है यहाँ पर, इसके नीचे स्टॉप लॉस मेरा अगला आ जाएगा। तो अगर ये इसके नीचे कभी भी काटता है तो मैं अपने अगले 50% ऑफ शेयर्स एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा टोटल एग्जिट हो जाएगा। और जैसे जैसे अच्छे अच्छे कैंडल्स बन जाएंगे, जैसे आज की क्लोजिंग के बाद में भी स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे मूव हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें फिर से कोई पूरा मोरुगोत्सु कैंडल मिलता है ऊपर की तरफ, विच इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल, तो फिर ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हमारा शिफ्ट होता रहेगा और हमारा 50% पोजीशन इसमें बना रहेगा। और जैसे ही वो स्टॉप लॉस वायलेट होता है वी विल एग्जिट द स्टॉक। तो स्टॉक और हमेशा ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस काफ़ी पास में हो। स्टॉप लॉस आपका कभी भी डबल डिजिट में नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 7-8% का स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी एक ट्रेड में। और फिर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या फिर 3 वो आपके ऊपर है। मैं यूजुअली 1:2 लेकर चलता हूँ, तो 1:2 पे अपने 50% शेयर्स एग्जिट आपको करने होते हैं और 1:3 पे उसके बाद फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको जाने देना होता है। तो ये था हमारा इसका एनालिसिस। और वैसे मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से जो एक बार यहाँ से नीचे की तरफ का मूवमेंट स्टार्ट होगा उसमें ये एक बार अपने 20 DA में, ये जो ब्लू वाली लाइन जा रही है ऊपर, मैं एक बार ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, ये भी हटा दे रहा हूँ। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, तो मुझे लगा था यहाँ तक एक बार कंसोलिडेशन होगा,
बट यहाँ तक भी नहीं हुआ, सो दैट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन द चार्ट उसके कारण। और साथ में अगर निफ्टी नीचे आती है, 9 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, तो अगर निफ्टी को भी नीचे, निफ्टी भी अगर नीचे आती तब ये साथ में मे भी आता 20 DMA तक, बट ये वहाँ तक भी नहीं आया। 9 नवंबर निफ्टी गैप डाउन हुआ था उस दिन, बट उसके बाद भी नहीं आया क्योंकि अगले दिन फिर वो US मार्केट्स का CPI डेटा आ गया था जिसके कारण सारे स्टॉक्स ने सब कुछ अच्छे से ऊपर गैप अप काफ़ी होके चले गए थे फ्राइडे को, तो इस कारण से वो अंबुजा सीमेंट उतना नीचे भी नहीं आया और वहीं पर उसने होल्ड कर लिया। तो जब मार्केट नीचे आती है इतना लाइक गैप डाउन खुला, पूरा निफ्टी नीचे गया, बट स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा कोई फॉल नहीं आया, तो दैट शोज की स्टॉक में स्ट्रेंथ काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीक्स ट्रेडिंग वीडियो, स्विंग ट्रेड वीडियो। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे और वीडियोज़ फिर आप तक आते रहेंगे हम जो भी इसके बाद ट्रेड्स लेंगे।